नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के बाड़ी में डॉक्टर बख्शी पर परिजनों ने लगाए गर्भवती करने का आरोप, मौत का कारण भी जिम्मेदार बताया, परिजनों पर बना रहे हैं दबाव। रायसेन जिले की बाड़ी तहसील के अंतर्गत दिल दहलाने वाली घटना उभर कर सामने आई है, जहां एक और डॉक्टर को भगवान इंसान मानता है, लेकिन यहां तो रक्षा के भक्षक के रूप में डॉक्टर राजा वसीम बख्शी देखा गया। एक अविवाहित लड़की का गर्भवती होना और परिजनों का डॉक्टर बख्शी के ऊपर आरोप लगाना क्षेत्र में सनसनी वाली घटना है। डॉक्टर बख्शी पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारी अविवाहित लड़की, जो कि डॉक्टर बख्शी और हॉस्पिटल में खाना बनाती थी, उसके साथ डॉक्टर बख्शी ने कुकर्म किए। पीड़ित परिवार ने संबंधित गाड़ी थाने में अपने कथन दर्ज कराए और शासन प्रशासन से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषी डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। रायसेन संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। नाम बताओ आपका। नाम बताओ आपका। नाम? नाम मेरा नाम सुंदरलाल केवल। किस संबंध में यहाँ पे आप थाने आए हो? इसलिए कि साहब हमें बच्ची साहब ने मतलब हमारी बच्ची के साथ में गलत काम किया। अच्छा, अब की बात है ये? ये करीबन साहब 15-1 दिन पहले की बात है। क्या करती थी वहाँ पे आपकी बच्ची? काम वाम करती थी कुछ? मेरी बच्ची हॉस्पिटल में खाना बनाती थी, पेशेंटों का खाना बनाती थी, डॉक्टर बख्शी साहब का भी खाना बनाती थी। अच्छा। घर बर्तन पहुंचा करने के लिए घर भी बुलाते थे। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? आप प्रशासन से कि मुझे न्याय चाहिए। इसमें मेन दोषी कौन है? मेन दोषी साहब तो यही पाया जाता है कि जब बख्शी साहब ने बच्ची को वहाँ और हमें भोपाल भेज दिया, और दोषी तो यही है कि हमको मतलब इतनी कोई बीमारी नहीं थी बच्ची के लिए, और जरा सी और बात में क्या उन्होंने अपने से मतलब हमको भोपाल रेफर कर दिया। तुम्हें किसने बताया था कि बच्ची गर्भवती है? हाँ, डॉक्टर मैडम ने बताया था कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है। बच्ची की शादी हो गई थी क्या? बच्ची कोई शादी नहीं हुई साहब, हमने कहा मैडम हमारी बच्ची की हमने शादी नहीं की अभी, तो बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? किसी प्रकार की कोई धमकी वगैरह मिल रही है आपको क्या? अभी तो नहीं आई सर, मगर हो सकता है। अभी कल कौन आया था आपके इधर? वो नई भाई आए थे कल। क्या बोल रहे थे? बोले तुमको अनीप लाला बुला रहे हैं, ज़रा 2 मिनट बात कर लो। समझे? दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर? दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं, और मतलब मैंने बता दिया मैं अभी किसी से मिलने वाला नहीं, मेरी बच्ची का वीजा है, मैं किसी हिसाब से नहीं मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, किस संबंध में शीलाबाई जो पीड़ित थी कोरोना के दौरान मृत हो गई उनकी, तो यहाँ पर परिजनों ने क्या आरोप लगाया डॉक्टर बख्शी के ऊपर? शीलाबाई केवट कुमारी लड़की थी, जो कि अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाड़ी में खाना बनाने का काम करती थी। जी। परिवार वालों का कहना है कि वो उसके अलावा डॉक्टर बख्शी साहब के भी खाना बनाती थी, और उन्होंने कुछ अन्य बातें भी बताई हैं जो कि जाँच का विषय है, और चूँकि जाँच का विषय है तो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने जाँच के लिए जो जो बिंदु हमें बताए हैं उन पर हम बारीकी से जाँच करेंगे, और अगर कहीं भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। धन्यवाद।